पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं पे। अच्छा लिंक बेटा वो मैंने बोला था पहले वाले पे ही जो है ना उसी पे ऐड ऑन करते रहना। क्यों वहां पे भी ऐड नहीं हो रहा ना, वापस जेट आके पहले पहले वाला अनसबमिट करके फिर होगा ना। हाँ तो फिर फायदा क्या हुआ भाई, तो फिर दो दो आए ना फिर। ठीक है मैं करता हूँ। ठीक है फायदा ये है ना बेटा, प्रॉब्लम अभी की हर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मैंने कोई वो नहीं रखा हुआ इस चीज के मार्क्स ना कि तुम्हें 1 वीक में ही सबमिट करना है। इट इज जस्ट कि मैं तुम्हें ये कह रही हूँ तुम सबको कि कर दोगे टाइमली तो इट इज मच बेटर, ठीक है ना। तो इसलिए आई हैव गिवन दिस ऑप्शन दिस टाइम कि आप उसी पे ऐड करते जाओ, ठीक है। अदरवाइज प्रीवियसली इन द फर्स्ट टर्म आई हैड नॉट गिवन दिस ऑप्शन, आई हैड गिवन अ टाइम पीरियड कि इस टाइम तक आपको सबमिट करना है। अभी कंसिडरिंग द सिचुएशन दैट सो मेनी प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन सो मेनी होम्स एंड ऑल, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग वेरी रिजिड दिस टाइम, बट हाँ सबको पता है आप एक सेमेस्टर आप कर चुके हो कि बाद में आप लोगों पे इतना बर्डन होता है, तो इट इज़ बेटर दैट यू डू ऑल दिस वर्क टाइमली, ओके। सो दिस इज द थिंग, यस। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट गिवन वन लिंक दैट यू कैन ऐड ऑन टू दैट, ओके। Now let's begin with the next chapter. सो बेटा वी हैव डन टू चैप्टर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इकोसिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज सॉरी, एंड सेकेंड इज इकोसिस्टम। सो बिगनिंग वी आर बिगनिंग विद द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसके लिए सबसे पहले आपको डाइवर्सिटी पता होना चाहिए। रिगार्डिंग एनवायरमेंटल स्पीशीज, डाइवर्सिटी का मतलब होता है द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ स्पीशीज, और बायोडाइवर्सिटी होती है इफ यू टेक अप द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, फ्लोरा एंड फौना भी कहते हैं जिसको, इन अ पर्टिकुलर रीजन, मींस इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, और लेट्स से इन अ रीजन, लेट्स से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और समथिंग लाइक दैट, पर्टिकुलर रीजन में या पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो कितने स्पीशीज हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ओके। एंड दीज आर एट 3 लेवल्स, जस्ट समबडी इज जॉइनिंग, एंड दीज आर एट 3 लेवल्स। दिस क्वेश्चन यूज टू बी आस्क फॉर 2 मार्क्स के वॉट आर द 3 लेवल्स ऑफ biodiversity. I think it can still be asked in a MCQ. So you should know the 3 levels of biodiversity are genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ना बड़ी बेसिक, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर जीन पूल क्या है, डिफरेंट वैरायटी है जीन्स की, नो डीएनए डिफरेंट है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग दैट the genes. Genes form the basis of life. So it's starting with the very basics, that is genetic diversity. Phir, this is in one particular species. Let's say human beings mein kya gene pool hai. Then species diversity means ek particular jagah pe ya region mein kitne different type ke species present hai. Wo species diversity ho gayi. Aur ye species diversity ya ye species kaun se particular ecosystem mein present hai. और वो इकोसिस्टम कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स ऑपरेट इन नेचर, ओके, इन अ पर्टिकुलर रीजन, सो दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो बेसिक से स्टार्ट होता है जेनेटिक, देन स्पीशीज, एंड देन फिर बढ़ता जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है ये लेवल टू इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ओके। नाउ बिगनिंग विद जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक पर्टिकुलर स्पीशीज में जो वेरिएशंस होते हैं ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दे गिव राइज टू जेनेटिक डाइवर्सिटी।
अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो हैविंग ईच वन ऑफ अस आर हैविंग अ यूनिक डी एन ए और अ यूनिक जीन राइट सो दैट गिव्स राइज टू जेनेटिक डाइवर्सिटी फिर एक इसमें ये लिखा है कि अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ वेरिएशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अ स्पीशीज टू अडैप्ट टू एन एवर चेंजिंग इकोसिस्टम एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज ऑफन हैव लो लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको रिस्क जो हैं वो ज़्यादा हार्म करती हैं इसका एग्जाम्पल भी है अ न्यूली इवॉल्व वायरस और बैक्टीरिया स्ट्रैंड कैन इन्वेड अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स वेरी रैपिडली इसमें मैं अभी कोरोना वायरस की बात नहीं करूँगी इसमें अगर हम डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की बात करें जैसे कि बर्ड फ्लू वगैरह का एग्जाम्पल है तो वो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज जनरली एक तरह के होते हैं और उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा डाइवर्स नहीं होती या ज़्यादा प्रिडोमिनेंट नहीं होती दे आर मोर और लेस ऑफ द सेम टाइप ओके सो दे हैव दे आर एट मोर रिस्क क्योंकि एक ही तरह का जो वायरस है एक ही तरह के जीन पूल को ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर सकता है सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस दैट डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज हैव लो लेवल्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इसके कंपैरिजन में अगर आप वाइल्ड पॉपुलेशन देखो जो नेचर में रह रहे हैं या जो एनिमल्स जंगल में हैं ठीक है जो एनिमल्स वाइल्ड में रह रहे हैं उनको उस तरह की पैम्परिंग नहीं मिलती जो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज को मिलती है राइट दे आर मोर यूज टू हार्शर कंडीशंस एंड बिकॉज वो हार्शर कंडीशंस के ज़्यादा यूज टू होते हैं उनको कोई भी रिस्क हो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का वो उतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर सकता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज सो ये सब जो यहाँ पर लिखा है उसका ये मीनिंग है वॉट आई जस्ट टोल्ड यू If you talk about species diversity, which is the next one, so it's the diversity within an ecological community. ठीक है कितने number of species हैं एक particular community में इसमें दो type की बात हुई है species richness and species evenness. अब ये species richness और species evenness क्या है इसको उन्होंने एक example की मदद से explain किया है Suppose अगर आप aquatic ecosystem में किसी भी pond या fresh water की बात करो पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करो उसमें एक पर्टिकुलर फिश है टाइप ए की एंड वी नो न्यूमरस काइंड ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन यू नो इफ वी टेक जस्ट अ सिंगल रिवर रिवर इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत तरह की फिश वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं लेट्स से वन इज ऑफ टाइप ए वन इज ऑफ टाइप बी वन इज ऑफ टाइप सी एंड वन इज ऑफ टाइप डी चार डिफरेंट टाइप की फिश वहाँ पर प्रेजेंट हैं ठीक है इन वन पर्टिकुलर रीजन इनका नंबर कितना है 5, 10, 15 and 20 इन अनदर रीजन मोर और लेस सबका सेम नंबर है 20, 20, 20, 20 तो रीजन टू जो है उसको ज़्यादा रिच माना जाएगा इन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज एंड उसको ज़्यादा इवन भी माना जाएगा क्योंकि मोर और लेस सबकी सेम पॉपुलेशन है सो आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन वेन यू कंसिडर द स्पीशीज ऑफ द सेम टाइप देन इफ यू काउंट द नंबर एंड इफ इट इज मोर और लेस द सेम नंबर So it is called a species evenness, and if it's a higher number, then it is called as a species richness. Okay, so दोनों चीजें इसमें explain हुई हुई हैं. So species richness अगर आपको define करने को बोला जाए क्या है number of species per unit area, species evenness define करने को बोला जाए तो evenness of individuals in a particular species. So both the definitions are here. नाउ ये सब चीज़ें क्यों होती हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जैसे अगर आप ट्रॉपिकल इकोसिस्टम की बात करो वहाँ पर रिचनेस ज़्यादा होगी हम कहते हैं ना फॉरेस्ट एरिया होता है रेन फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पर स्पीशीज़ की यू नो प्रेजेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लेट्स से आर्कटिक रीजन पोलर रीजन्स में द नंबर ऑफ या डेजर्ट रीजन में द नंबर ऑफ यू नो स्पीशीज इज गोइंग टू बी लेस क्यों क्योंकि ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स आर मोर फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टू द ग्रोथ ऑफ यू नो एनिमल्स ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे तो हर्बीवोर्स और दूसरे भी जो साइकिल है वो ज्यादा इंक्रीज होगी नंबर ऑफ स्पीशीज की राइट नाउ बट ये तो एक लेमन टर्म्स में बात हो गई अगर हम जनरल बात करते हैं तो इसको इन्वायरमेंटलिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया है उन्होंने इस फॉर्मूला की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया है दैट डाइवर्सिटी इज इक्वल टू ओरिजिनेशन माइनस एक्सटिंक्शन प्लस इमिग्रेशन तो बहुत सिंपल है ये डाइवर्सिटी क्या होता है डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज ओरिजिनेशन क्या होता है कि वो ओरिजिनली यहाँ पर कैसे यू नो पैदा हुए या हाउ देयर साइकिल स्टार्टेड इफ वेदर दे ओरिजिनेटेड इन दिस रीजन और नॉट ओके माइनस एक्सटिंक्शन
उस जगह से कितने एनिमल्स जो है या कितने स्पीशीज जो है मूव कर गए किसी और जगह पे टू अडेप्ट देमसेल्फ टू दैट एनवायरनमेंट एंड प्लस इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मीन्स उस रीजन में कितने एनिमल्स या कितने स्पीशीज आए बाहर से, दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन. ओके, सो लोकली कितने ओरिजिनेट हुए, उसमें से एक्सटिंक्ट कितने हो गए, ठीक है, और या मूव आउट कितने हो गए, और इमिग्रेशन मीन्स अंदर उस इकोसिस्टम में कितने स्पीशीज आए. सो दिस ऑल दीज थिंग्स गिव राइज टू डाइवर्सिटी. अब इसमें क्या होता है, इट कैन बी पॉसिबल, वन ऑफ द थिंग्स इज पॉसिबल दैट हाई ओरिजिनेशन हो, लो एक्सटिंक्शन हो और हाई इमिग्रेशन हो, या कोई ना कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, तो हाई डाइवर्सिटी यू नो पॉसिबल हो सकती है. नाउ देर आर सम टर्म्स विच यू शुड नो फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. वॉट इज क्रैडल ऑफ डाइवर्सिटी, trying to join. So what is cradle of diversity? Cradle of diversity ka matlab hota hai areas where new species are born and nurtured. Museum of diversity iska matlab kya hota hai, jahan par old species are preserved despite having gone extinct in the rest of the world. Matlab baki ke world mein to wo extinct ho gaye par is jagah pe wo abhi bhi preserved hai old species. लोकल ओरिजिनेशन का मतलब क्या होता है, जनरेटिंग न्यू लीनियजेस. लीनियजेस का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, उनके आगे के यू नो फर्दर उनकी जो रिप्रोड्यूस हुई हुई जो भी यू नो एनिमल्स हैं या स्पीशीज हैं, फर्दर जो कंटिन्यू होता रहता है उसको लीनियज. काफी लंबे टाइम तक अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज कंटिन्यू होता रहे ना, उसको लीनियज कहते हैं. ओके, सो इट शुड नॉट बी वाइप्ड आउट और गेट एक्सटिंक्ट वेरी इजीली, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियज. बच्चे जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप लोग ना 10 मिनट्स तक ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है. 5 मिनट्स में के बाद ही मैं मोस्टली क्लास स्टार्ट करती हूँ, सो प्लीज़ आप लोग 10 मिनट्स तक ज्वाइन कर दिया करो, क्योंकि थ्योरी की क्लास है ना, वो अप्लाइड केमिस्ट्री तो है नहीं, तो इट ब्रेक्स द फ्लो. ओके, देन नेक्स्ट इज लोकल एक्सटिंक्शन. लोकल एक्सटिंक्शन मीन्स कि किसी ना किसी प्रॉब्लम से अगर एक पर्टिकुलर लीनियज वाइप आउट हो जाए, उससे डाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज लोकल एक्सटिंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मतलब विच एड्स टू डाइवर्सिटी थ्रू न्यू लीनियजेस फ्रॉम अदर एरियाज, ठीक है, न्यू माइग्रेंट लीनियजेस. अगर दूसरे एरिया से, आप सबको वैसे नॉर्मली इमिग्रेशन का मतलब पता है, उसी को आपको स्पीशीज पे अप्लाई करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब हाईएस्ट लेवल है ये. इट इंडिकेट्स अ वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ इकोसिस्टम. तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हम पूरे जो हैं पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है. सो वेरियस काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स आर देयर, सो दैट मीन्स इकोसिस्टम आर डाइवर्स इन नेचर. अब अगर वैल्यूज या बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो ये चीज़ें आप मुझे खुद ही बता सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के. सो देर इज एग्रीकल्चरल वैल्यू, देर इज इंट्रिंसिक वैल्यूज. वैल्यूज क्या हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जस्ट अ स्पीशीज इज प्रेजेंट, वो हमें को यूज दे रहा है या नहीं दे रहा, बट इट इज जस्ट दैट इट इज प्रेजेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वैल्यू. अगर हमें फूड क्रॉप्स हैं, वो हमें यू नो सीरियल्स प्रोवाइड करते हैं, हमें लेंटिल्स प्रोवाइड करते हैं, हमें इतना ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यू नो फुलफिल करते हैं हमारी नीड्स फूड की, उसको हम एग्रीकल्चरल वैल्यूज कहते हैं. मेडिसिनल वैल्यूज क्या होती हैं, WHO के अकॉर्डिंग 80% का जो वर्ल्ड का लोग हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के बेस्ड मेडिसिन यूज करते हैं. आप होम्योपैथी ले लो, आप आयुर्वेदा ले लो, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन मेडिसिनल वैल्यूज. पेस्ट कंट्रोल वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है बेटा, प्लांट जिसको हम पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्लांट. हाँ जी, CSE3. पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा प्लांट यूज करते हैं हम,
कौन सा बड़ा कॉमन प्लांट है बेटा, बहुत ही फायदे उसके नीम. नीम, 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 ठीक है, बहुत ही कॉमन है. तो नीम इट्स इवन यूज्ड फॉर गार्गल्स. आजकल तो बहुत कुछ चल रहा था उसका, ये कोरोना के टाइम पे आप नीम के गार्गल्स करो, ये करो, वो करो, दालचीनी, ऑल दीज थिंग्स हैव पेस्ट कंट्रोल वैल्यूज. देन रिक्रिएशनल एंड एस्थेटिक. रिक्रिएशनल का मतलब होता है यू नो एंजॉय करना एक्टिविटीज को, लाइक फिशिंग, कैंपिंग, ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, जंगल सफारी, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्रिएशन एक्टिविटीज. एस्थेटिक मीन्स किसी व्यू को एंजॉय करना और उसकी ब्यूटी के लिए उसको एंजॉय करना, दैट इज एस्थेटिक वैल्यूज. ओके, देन नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब कोई इनकम या सस्टेनेंस किसी की, किसी का, किसी की लाइफ ही यू नो उस पर्टिकुलर चीज पे, फार्म्स पे, एग्रीकल्चर पे या फॉरेस्ट पे, किसी की लाइफ या किसी की इनकम डिपेंडेंट है तो उसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहते हैं. फिर नेक्स्ट है नॉन कंजम्पटिव वैल्यू. नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूम, जिसको आप कंज्यूम कर सको, जिसको आप नहीं कंज्यूम कर सको वो नॉन कंजम्पटिव वैल्यूज होता है. तो नॉन कंज्यूमटिव वैल्यूज में सॉइल के, सॉइल को कंज्यूम तो नहीं कर सकते बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो सॉइल की फॉर्मेशन, उसकी प्रोटेक्शन, उसमें कार्बन फिक्सिंग जो होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होती है रूट नॉड्यूल्स में, ऑल दैट इज नॉन कंजम्पटिव वैल्यूज. कंजम्पटिव एंड प्रोडक्टिव वैल्यूज में क्या आता है, फूड्स, वेजिटेबल्स, बेवरेजेस और इन सब को, जिनको, जिस भी चीज़ को आप कंज्यूम कर सकते हो उसको कंजम्पटिव एंड प्रोडक्टिव वैल्यू कहते हैं. ठीक है, मेडिसिन, फाइबर्स, रबर्स, ऑल दीज थिंग्स यू डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड यू यूज देम. ओके, देन नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल वैल्यूज. इकोलॉजिकल वैल्यूज मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सबकी, सॉइल फॉर्मेशन है, फूड प्रोडक्शन है, वेस्ट डिस्पोजल है, ऑल दीज थिंग्स आर इकोलॉजिकल वैल्यूज. So all these are values of biodiversity. Next we move to biogeographic zones of India. Biogeographic zone का मतलब क्या है और why it is important? Biogeographic zone का मतलब है एक बहुत बड़ा, large, distinctive unit of similar ecology. मतलब जहाँ पर एक ऐसा land का unit which is very large in area और वो डिस्टिंक्ट है एज कम बिकॉज उसकी, उस एरिया की सिमिलर इकोलॉजी है और बायोम रिप्रेजेंटेशन है. बायोम क्या होता है अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. कम्युनिटी और स्पीशीज पे बेस्ड वो एक पर्टिकुलर जोन में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे आइलैंड्स, आइलैंड्स की एक पर्टिकुलर जोन मानी गई है, उसको डिस्टिंक्ट माना गया, उसकी सिमिलर इकोलॉजी है बहुत सारे आइलैंड्स की. जो भी आप कंसिडर करो, लेट्स से इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बट सबकी सिमिलर इकोलॉजी है. ठीक है, एंड देन यू हैव लक्षद्वीप, ठीक है, सिमिलर इकोलॉजी है उसकी आइलैंड्स की. कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे जो भी है कोस्टल रीजन में, मोर और लेस वेजिटेशन भी सेम होती है, एनिमल्स भी सेम होते हैं, स्पीशीज भी सेम होते हैं. ठीक है, लोगों का रहने सहने का तरीका भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है तो उसको हम कोस्टल एरिया मान लेते हैं, एक बायोजियोग्राफिकल जोन मान लेते हैं उसको. ठीक है, नाउ व्हाट इज अ बायोटिक, नाउ व्हाट इज अ बायोम इन दिस. इसमें देखो बायोम का क्या मतलब है. बायोम इज एन इकोलॉजिकल यूनिट एंड इज फाउंड इन बायोजियोग्राफिक जोन्स. तो बायोम का बेटा मोर और लेस मीनिंग ये होता है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर एक विकिपीडिया से इसकी डेफिनेशन लिखी थी. ठीक है, आई थिंक इट हैज नॉट बीन सेव्ड. मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ. My own की definition ही मुझे better लगी. It's a collection of plants and animals that have common characteristics for the environment they exist in. तो basically habitat से बड़ा होता है biome और ecosystem से छोटा होता है. ठीक है, so it is more or less like them only. Collection of plants and animals होते हैं जिनके common characteristics होते हैं for that particular environment. अगर desert का biome आप लो तो उस environment के लिए उस particular एनिमल्स के या प्लांट्स के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे कैक्टस हो गया, सक्यूलेंट्स हो गए, वो डेजर्ट में पाए जाते हैं तो उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सक्यूलेंट्स के. ठीक है, सो दिस इज अ बायोम रिप्रेजेंटेशन. यू कैन सी ओवर हियर वेरी नाइसली इट इज डिस्क्राइब. सिंपल सा ले लेते हैं इंडिया का ये वाला जो एरिया है, ये देखो दिस इज सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, दे आर ऑल इंडिकेटेड बाई दिस पर्टिकुलर कलर.
लेट्स से वी ग्रासलैंड्स की बात करें, स्टेपीज, टेम्परेट स्टेपीज, ये येलो से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं, हमने लास्ट इकोसिस्टम में पढ़ा था. इन अफ्रीका दे वर नोन एज वेल्ड्स, इन यू नो अमेरिका दे आर, इन कैनेडा दे आर नोन एज प्रेरीज. तो जहाँ जहाँ पे ग्रासलैंड पाए जा रहे हैं वो सारे येलो से इंडिकेट हो रहे हैं. मोर ऑर लेस उनके स्पीशीज के सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, एल्पाइन, ये जो ब्लू से एल्पाइन, ये पूरा माउंटेनियस रीजन का जो वेजिटेशन होता है उसको एल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं. तो ये हिमालयन रीजन है सारा, ये जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ पर सारा एल्पाइन रीजन है. तो सेम काइंड ऑफ बायोम्स एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज मोर ऑर लेस द मीनिंग ऑफ बायोम्स. और ये बायोजियोग्राफिक जोन में प्रेजेंट होते हैं. बायोटिक प्रोविंस क्या होता है, इट्स अ सेकेंडरी यूनिट विद इन अ बायोजियोग्राफिक जोन गिविंग वे टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. प्रोविंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह, प्रोविंसेस का ये मीनिंग होता है. तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आप कंसिडर करो बायोजियोग्राफिक जोन में, पर्टिकुलर कम्युनिटी एनिमल की भी हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, तो उसको बायोटिक प्रोविंस कहते हैं. ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे डेजर्ट में अगर पाम ट्रीज ज्यादा हो, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई उस जगह की, बायोटिक प्रोविंस हो गई. ठीक है, लैंड रीजन, लैंड रीजन मीन डिफरेंट टेरेशियल जो लैंड फॉर्म्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोविंस में, उसको लैंड रीजन कहते हैं. ठीक है, बायोम तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ. अब हम आते हैं बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया पे. ठीक है, बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया कितनी हैं, देर आर 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स. इस पर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है बहुत बारी. तो ये कौन कौन सी जोन है, आई विल जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जस्ट गिव मी अ मिनट. So these are the 10 biogeographic zones of India. First one is the Trans-Himalayan zone, second is the Himalayan zone over here. Okay, third is the desert zone, fourth is the semi-arid zone, semi-desert, dry regions jo hote hain na arid, usko semi-arid kehte hain. So ye sara region hai semi-arid. ठीक है, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स ओवर हेयर, महाराष्ट्र के रीजन में जो भी हैं वेस्टर्न घाट्स. डेक्कन पेनिनसुला, दिस डेक्कन पेनिनसुला में कौन सी टाइप की सॉइल होती है बेटा, CSE3, ब्लैक सॉइल, वेरी गुड, ब्लैक सॉइल होती है. सो नाउ वी टॉक अबाउट इट वन बाय वन. ट्रांस हिमालयन जोन में ऑब्वियसली हिमालयन है, तो क्लाइमेट इज गोइंग टू बी वेरी कोल्ड, स्नो वगैरह होगी यहाँ पर, वेजिटेशन जो होगी माउंटेन टाइप होगी. ठीक है, इसमें जो एनिमल्स होंगे, शीप, गोट, स्नो लेपर्ड्स होंगे. इनफैक्ट अगर आप इन रीजन्स के डॉग्स वगैरह को भी तो देखो, किसी माउंटेन रीजन में इफ यू हैव गॉन टू अ हिल स्टेशन एंड ऑल, सो द डॉग्स देयर आर वेरी फरी, यू नो, वेरी वेरी फरी एज कम्पेयर टू यू नो इन दिल्ली. सो इसके एरियाज कौन से हैं, एक दो एरियाज आपको याद रखने हैं और एक दो चीज़ें वेजिटेशन की और एनिमल्स की आपको याद रखनी है, जस्ट इन केस अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज आस्क्ड आप एक दो चीज़ें बता सको. ठीक है, तो एरियाज कौन से हैं, सियाचिन लेह का, श्रीनगर का जो एरिया है, दे आर ऑल ट्रांस हिमालयन जोन. देन यू हैव द हिमालयन जोन, जस्ट उससे नीचे थी हिमालयन जोन, जस्ट ट्रांस हिमालयन के नीचे थी ये वाली जोन. ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर वेजिटेशंस हैं डिफरेंट, और एनिमल्स कौन से हैं, एलिफेंट्स हैं, एप्स हैं, टाइगर्स हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ये बायोटिक प्रोविंसेस बताई हुई हैं जोन की. ठीक है, देन एरियाज कौन से पड़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इजीली यू कैन रिमेंबर दिस हिमालयन जोन में, J&K. ठीक है, देन यू हैव नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट जोन. Somebody is trying to join. Vinayak. Vinayak, you're very late, beta. Hello, hello, Vinayak. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ठीक है बेटा, टाइम से आया करो ना. ठीक है. Now, कौन से थे हम, नॉर्थ ईस्ट, नाइन्थ जोन देखो, वहाँ पर उसने थर्ड बताई हुई है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की जोन ये वाली है. All this. North East की zone के लिए क्या special होगा बेटा? We've all studied this in geography. North East की zone के लिए क्या special होगा? Moisture ज़्यादा होगा वहाँ पे. हाँ, rainfall सबसे ज़्यादा होती है ना North East में. So और vegetation कौन सी होती है जो rainfall में उगती है सबसे ज़्यादा?
राइस बेटा नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू होता है सबसे ज्यादा ना ठीक है सो बैम्बू सिट्रस प्लांट्स बनाना दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेशन बैम्बू ड्रिप इरिगेशन भी एक आपको आएगी अभी आप वो भी पढ़ोगे इसमें ईवीएस में और मेन एनिमल जो है वो एलिफेंट्स हैं इधर के और कोई भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के आप नाम इसमें याद रख सकते हो एरिया चेरापुंजी पहले बहुत फेमस था हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करने के लिए अब लेटेस्ट मेरे को नहीं पता चेरापुंजी है कौन सा एरिया है सो चेरापुंजी है शिलोंग है इम्फाल है ये सारे एरियाज हैं इस जोन के देन यू हैव द फोर्थ वन दैट इज नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट जोन सो डेजर्ट जोन नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट जोन कौन सी है लेट अस सी इन दिस डेजर्ट जोन थर्ड ठीक है नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट जोन सो डेजर्ट जोन ये सारा एरिया ठीक है सो ये सारा एरिया कहाँ पड़ता है राजस्थान ठीक है सो इधर का क्या होगा एरियाज कौन से होंगे जोधपुर जैसलमेर आप ये एरियाज दो याद रख सकते हो या सिंपली यू कैन से राजस्थान ऑल्सो इज नो प्रॉब्लम इन दैट और डेजर्ट का आपको एनवायरनमेंट तो पता है समर इज वेरी हॉट एंड ड्राई विंटर इज कोल्ड रेनफॉल बहुत लेस होती है और ग्राउंड वेजिटेशन आप कोई भी कैक्टस या कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो और दिस द इंडियन बस्टर्ड हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज सो एवरी वन नोज आई थिंक दैट केस ऑफ सलमान खान गोइंग फॉर हंटिंग राइट आई थिंक इट हैपेंड इन दिस एरिया इटसेल्फ पता है सबको नहीं पता ब्लैक बक कोई कुछ बोलता क्यों नहीं पता है Yes, ना तो बोलो ना बेटा इंटरैक्ट करो ना ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा मैं कोई वॉल्स को थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ ना माना कि एवीएस इजी है बट ठीक है थोड़ा इंटरैक्ट तो करो ना नेक्स्ट इज गैंजेटिक प्लेन गैंजेटिक प्लेन कहाँ पर होगा सारा जो नॉर्थ का ये जो सारा मेन एरिया है ना ये अपना लखनऊ एक्सक्यूज मी सॉरी गैंजेटिक प्लेन सेवेंथ एरिया जो सारा ये वाला लखनऊ इलाहाबाद इसके एग्जाम्पल्स हैं ये सारा गैंजेटिक प्लेन है और इसकी मेन मेन जो हमारे वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं ये टींडे तोरी घिया ये सब इनफैक्ट आप यहाँ जाके देखोगे वंस आई हैड अ चांस टू विजिट पटना आई हैड गॉन टू पटना साहिब एक्चुअली सो आई हैड अ चांस टू विजिट पटना दैट टाइम एंड आई सॉ ऑल द वेजिटेशन ओवर देयर तो आप बिलीव नहीं करोगे लाइक उधर का घिया या उधर की मूली इज लाइक यू नो कैसे बताऊँ मतलब आपका हाथ है जितना उतना लंबा घिया और मूली होती है सो दैट्स लाइक रियली फर्टाइल एरिया and lots of vegetables and everything we get from there fruits and plants are also found in this region okay then next is next zone is semi arid zone near deserts pai gayi thi indore bilaspur jabalpur all these are the areas isme thorny vegetations sal forests or moderate rainfall or temperature hota hai idhar so it's a semi arid zone moderate rainfall hogi bahut high rainfall nahi hogi and then you have deccan peninsula region jo pura south ka area hai that is deccan peninsula region over here sixth one ye tha semi arid fourth ye dekho near the deserts na this is semi arid area and deccan peninsula is the sixth one this whole region is very very fertile black soil hoti hai yahan par this is the deccan peninsula region pura south ka jo region hai theek hai and we get a lot of vegetation from here fruits and vegetables and cotton un sari cheeze Deccan peninsula region mein hoti hai I don't know why they have not given the vegetation over here and animals so you can write one two animals and elephant wagera idhar bhi hota hai so ek do animals aur ek do vegetation aap likh sakte ho Bangalore Hyderabad main regions hai iske and the climate is very very pleasant over here then eastern and western sea coast so sea coast mein mangrove एस्टुरीन इकोसिस्टम मेन होता है मैंग्रोव मेन वेजिटेशन होती है क्लाइमेट ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है और जो भी कोस्ट के यू नो सिटीज हैं मुंबई चेन्नई त्रिवंतपुरम ये सब आपको केरला की कोई रीजन पता है या महाराष्ट्र का कोई रीजन पता है यू कैन राइट नियर द कोस्ट यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम
okay. Then you have Western Ghat Zone. Ghats means sort of mountains, you know, low hills वगैरह होती हैं, Aravalli hills वगैरह होती हैं यहाँ पर. And here rainfall is very heavy. Again, climate is very present, neither too hot nor too cold. And temperate evergreen type की vegetation होती है. और पुणे और सूरत, पुणे का आई हैड अ चांस टू विजिट पुणे आल्सो, द वेदर इज वेरी प्लेजेंट देयर. पुणे और सूरत यहाँ पर दो जगहें हैं वेस्टर्न घाट जोन की. देन यू हैव आइलैंड जोन. आइलैंड जोन में अगेन क्योंकि कोस्ट के पास सॉरी सी में है, मरीन एनवायरनमेंट में है, तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट तो नहीं होता, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, नाइदर टू कोल्ड नीदर टू हॉट. और कोई भी आइलैंड पोर्ट ब्लेयर, कोई भी आइलैंड लक्षद्वीप अंडमान के लिख सकते हो, दे आर फाउंड इन दिस जोन. इफ यू जस्ट वांट टू सी देम सो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. 10 आर द आइलैंड्स, ये सारे जो हैं दीज आर द आइलैंड्स ओवर हियर. ठीक है, कोस्टल, ये सारा कोस्ट का रीजन है 8th वाला. ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, बहुत बार ही आया हुआ है, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज को मार्क कर लेना. व्हाट इज टर्म्ड एज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज होते हैं, हाई स्पीशीज रिचनेस होती है, और उस पर्टिकुलर जगह पे स्पीशीज जो है वो यू नो पर्टेन करते हैं, उसी रीजन में पाए जाते हैं, एंडेमिज्म जो होता है उसको हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. लेकिन इसका क्राइटेरिया आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू फुलफिल अ रीजन एज अ हॉटस्पॉट. तो क्राइटेरिया क्या है, 0.5% ऑफ द ग्लोबल प्लांट स्पीशीज शुड बी प्रेजेंट इन दैट एरिया. ये तो बेटा आपको रटना पड़ेगा, 0.5% जो पूरे वर्ल्ड के प्लांट स्पीशीज एंड ग्लोबल प्लांट स्पीशीज वो उस एरिया में होने चाहिए. एंड इट मस्ट हैव लॉस्ट more than 70% of its original habitat. So, उसकी जो original habitat थी उस particular region की hotspot की, उससे 70% it must have lost. So, that means endangering भी होती है उस particular जगह पे biodiversity पे. अगर आप अभी Google का data देखोगे ना, तो वैसे 34 hotspots of biodiversity on a global level, जिसमें India में 2 present हैं, Western Ghats और Eastern Himalayas. अगर आप ओवरऑल गूगल पे इसको डाल के देखोगे ना, इंडिया के हॉटस्पॉट्स, मैंने तो डाल के देखा था, तो आपको 4 हॉटस्पॉट्स वो दिखाएगा, बट 4 में से जो 2 है ना इंडो बर्मीज बॉर्डर, वो टोटली इंडिया में नहीं लाई करते. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि इंडियन हॉटस्पॉट्स कितने हैं, तो इंडिया में 2 हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के. और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से 2 हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स माना गया है इंडिया में. ओके, एंड इसमें कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत होती है, बायोडाइवर्सिटी के जो स्पीशीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू दीज टॉपिक्स, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज. अभी आपने ऊपर ये टर्म पढ़ी एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेमिक का मतलब होता है दो स्पीशीज दैट हैव वेरी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर कन्फाइंड ओवर रिलेटिवली स्मॉल रेंजेस. मतलब वो उस जगह में ही पाए जाते हैं और आपको कहीं पर भी वो एनिमल्स नहीं मिलेंगे, तो उसको आप एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी लीफ मॉन्की, इन सब के पिक्चर्स आप डाल के देख सकते हो गूगल पे. ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जब कोई डाउट ना बचे कि जो लास्ट इंडिविजुअल है एक पर्टिकुलर स्पीशीज का वो मर गया है, इट हैज डाइड, तो उस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कहा जाता है. तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का एक एग्जाम्पल बताओ जल्दी से. White rhino. Dinosaurs. Very good. That was what I was looking for. So we are yet to see another dinosaur. Okay. We are completely sure that we have not seen another dinosaur in ages. Okay. So that means it is extinct. Okay. Then, अगर वाइल्ड में इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन एक्सॉस्टिव सर्वेज इन हैबिटेट्स हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल, ये सेम चीज एक्सटिंक्ट का ही मतलब है. फिर नेक्स्ट है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. बेटा ये चीज है ना एमसीक्यू में मेरे को लग रहा है फेवरेट्स हैं, दे कैन बी आस्क्ड इजीली. क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर.
तो डोमेस्टिकेटेड में नहीं, अगर वाइल्ड में कोई पर्टिकुलर यू नो एनिमल है या प्लांट है और इट इज फेसिंग अ एक्सट्रीमली हाई रिस्क, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं. एग्जांपल बताओ. टाइगर्स, व्हाइट टाइगर वगैरह. अभी करंट में एक लास्ट राइनो भी मर गया है. कौन सा राइनो बेटा? मन राइनो, उसका वो याद नहीं आ रही, उसकी स्पीशीज में वो लास्ट था, अभी वो एक्सटेंट हो गया. ओके ओके, तो वो तो एक्सटेंट हो गया ना बेटा. क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? पॉसिबली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे स्पीशीज, ठीक है? तो ये मतलब होता है बहुत हाई रिस्क होती है उनको, उसका मतलब होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और उसका नाम और वो सब पता करके बताना अगली क्लास में ना, ठीक है? सो लिटिल जनरल नॉलेज फॉर अस ऑल्सो. और एंडेंजर्ड का क्या मतलब है? एंडेंजर्ड इज समवेयर इन बिटवीन, यू नो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं होता वो, बट एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है उसकी, ठीक है? सो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज पॉसिबल इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर. तो मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड के नेक्स्ट लेवल होगा ये एंडेंजर्ड. मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत जल्दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जा सकता है और उसको रिस्क है जाने के उसमें, इस लेवल पे जाने का. सो दैट इज कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज. देन स्पीशीज इज वल्नरेबल. वल्नरेबल मतलब इट इज नॉट एंडेंजर्ड, इट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट फ्यूचर में वो अगेन इट कैन फेस अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. तो आई फील एलिफेंट्स एंड ऑल कैन बी यू नो वल्नरेबल बिकॉज उनको उनकी टस्क के लिए यूज करा जाता है, या स्नेक्स हैं जैसे स्नेक लेदर के काफी आर्टिकल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है? तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ठीक है? सो आई थिंक पांडास आर ऑल्सो वेरी लेस इन नंबर. पीछे कुछ सुन रही थी, पता नहीं चाइना में एक रीजन है जहाँ पांडा है. ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी उनको पे करना पड़ता है चाइना को, क्योंकि चाइना ने ऑफिशियल ऑथराइजेशन ले रखी है पांडास की. हाँ, वही वही मैं कुछ पढ़ रही थी उसके बारे में ना. एंड आई थिंक देयर आर जस्ट टू पांडास इन समवेयर इन अ ज़ू इन कनाडा और समवेयर, आई डोंट नो, वहीं पर है. तो ऐसी ऐसी चीजें हैं बेटा. तो ये सारे एनिमल्स आपको एक एक एग्जाम्पल इनका पता होना चाहिए, ठीक है? देन रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज कौन से होते हैं? रेयर स्पीशीज हैं जो नेचुरली ही कम है वर्ल्ड में ना, मतलब उनका कोई वल्नरेबल और एंडेंजर्ड और ये सब चीज़ें नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब वर्ल्ड में ही ओरिजिनेट ही रेयर हुए हैं. आप उनको ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं, मतलब यू हैव नॉट सीन दैम इन हाई क्वान्टिटीज, दे आर ऑलरेडी ओरिजिनली रेयर. ओके, देन दे हैव अ वेरी रेयर का मतलब दे हैव अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. Threatened species वही हो गई है जो endangered और vulnerable है ना, that those species which may become extinct if not protected. तो ये एक category है classification की जो हमने भी ऊपर करी, vulnerable, endangered, critically endangered, और एक दूसरी category है rare and threatened. Okay, two types of categories are there. So threatened are those species which may become extinct if they are not protected. और इनमें वो सारी categories आती हैं कि rare, vulnerable, endangered, critically endangered species की. एग्जाम्पल एलिफेंट, चिंकारा, नीलगिरी एंड स्लॉथ बियर, राइनो, ऑल दोस थिंग्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, ठीक है? देन व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी? थ्रेट्स क्या है बायोडायवर्सिटी को? डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, अगर हंटिंग होगी और फॉरेस्ट वगैरह, यू नो, फॉर आवर ओन नीड्स वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट रिच एरिया, तो लॉस ऑफ हैबिटेट रोड्स बनाने के लिए एंड यू नो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो डिग्रेडेशन ऑफ, ऑलरेडी यू मस्ट बी अवेयर कि मेट्रो में दिल्ली में ही कितना रिज एरिया है, नॉर्थ में, साउथ कैंपस वगैरह के एरिया में मेट्रो बनाने के लिए कितना रिज एरिया ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हुआ है. तो डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट होती है इससे. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एक मेजर थ्रेट है, ठीक है? जैसे कि कुछ स्पीशीज हैं जायंट पांडास और टाइगर्स, एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ resources. Then pollution is again a major threat. Extinction of weaker species due to aggressive non-native species. So, ek particular jagah pe, agar aap region biogeographic zone ko dekho, aur usme dusre species jo us region mein nahi the, non-native ka matlab hota hai, us region mein wo originally nahi the, theek hai, immigrate karke aaye hain. And they are more aggressive. Aggressive means they are more, you know,
वैसे तो एग्रेसिव का मतलब गुस्से वाला होता है, सो एग्रेसिव इस केस में स्पीशीज का मतलब ये होगा कि दे आर मोर सस्टेनेबल टू दैट एनवायरनमेंट, यू नो दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, दे कैन अडैप्ट मोर वेल. सो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर रीजन के वीकर स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे. एंड इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मुझे दिल्ली में दिखता है, स्पैरो का. स्पैरो दिखती है आप किसी को? किसी ने स्पैरो देखी है? मैंने लास्ट टाइम तो चंबा में देखी थी, उसके बाद बहुत कम हो गई है स्पैरोज अब. तो जब बहुत कम क्या, जब आई वॉज अ किड तो इन आर बालकनी एंड ऑल, मतलब स्पैरोज तो ऐसे मतलब सारा टाइम ही चीची जी, वी यूज्ड टू गेट अप विद दैट ओनली. एंड अब हम किससे उठते हैं? अब हम क्रो की आवाज से उठते हैं. सो क्रो इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ एग्रेसिव स्पीशीज. इट्स मोर स्ट्रॉन्गर, इट कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, इट्स नॉट अ डेलिकेट, नॉट अ फ्रेजाइल एनिमल, ठीक है, बर्ड, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ स्पैरो. स्पैरो यूज्ड टू बी वेरी फ्रेजाइल और यू नो छोटी सी एंड ऑल. सो ये एक एग्जाम्पल है कि अग्रेसिव नॉन नेटिव स्पीशीज जो है उस एरिया के, दे टेक ओवर, यू नो. देन पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. पोचिंग क्या होती है? इलीगल किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल. तो ये भी बेटा एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, वॉट इज पोचिंग. तो पोचिंग का मतलब क्या होता है? इलीगल किलिंग. तो जो भी ये लेदर पर्सेज एंड यू नो आइटम्स बनते हैं, लेदर के जैकेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सो दे आर अ रिजल्ट ऑफ पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो कंजम्पशन के लिए भी किल हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए भी किल हो सकते हैं, डेकोरेशन, टाइगर्स, लायंस, ठीक है, ये सारी चीजें पोचिंग से रिलेटेड है. और पोचिंग स्टॉप कैसे हो सकती है? कंसर्न फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करके. अब इंडिया का क्या हाल बताएं, आधा टाइम तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ही बीच में मिले होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है. सो रिपोर्टिंग इट, इनकरेजिंग वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉज वगैरह उनको बनाना एंड उनको इन्फोर्स भी करना. सिर्फ लॉज बनाने से कोई इफेक्ट नहीं होता, इन्फोर्स भी करना होता है उनको. देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. एंड आफ्टर दैट रिफ्यूजिंग टू परचेज प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन इलीगली ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. सो पीपल पोचिंग होती क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड होती है इन चीज़ों के लिए, बेल्ट्स के लिए, पर्सेस के लिए, जैकेट्स के लिए. अगर लोगों की डिमांड ही बंद हो जाएगी तो पोचिंग होना भी बंद हो जाएगा. सो वी कैन रिफ्यूज टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग पोचिंग. देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने गेन के लिए किसी हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यही सब पोचिंग वोचिंग करके, तो दैट इज अ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन वाइल्ड लाइफ रिक्वायरमेंट्स ओवरलैप विद दोज ऑफ ह्यूमंस, क्रिएटिंग लॉस टू बोथ. इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, सेफ्टी एंड वेलबींग फॉर लोकल पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी. सबसे पहले मैं ये वाली चीज बात करती हूँ, सेफ्टी एंड वेलबींग फॉर लोकल पॉपुलेशन. यू मस्ट हैव हर्ड अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो इंडिया के विलेजेस में होते हैं, वेयर अ टाइगर और अ लायन एंटर्स अ पर्टिकुलर विलेज एंड टेक्स अवे न्यू बॉर्न बेबीज और अटैक्स मैन, दे बिकम मैन ईटर्स. सुना होगा ऐसे इंसिडेंट, ठीक है. सो दिस इज द रीजन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट. बहुत बार ऐसे होता है कि ये सारी चीजें तो रिपोर्ट होनी शुरू हो जाती हैं, बट व्हाई इट हैज अकर्ड या उन उस वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन ने क्या नुकसान पहुंचाया है वहाँ के, तो वो चीजें ज्यादातर रिपोर्ट नहीं होती. सो इट अराइजेस बिकॉज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, यू नो, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है. यूजुअली आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द केसेस, हर केस में नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है. देन इकॉनमी, माइक्रो एंड मैक्रो इकॉनमी, एक छोटी जगह की इकॉनमी को, एक पर्टिकुलर रीजन की इकॉनमी को माइक्रो कहते हैं, पूरी कंट्री की इकॉनमी को अगर आप कंसिडर करोगे तो उसको मैक्रो कहते हैं. तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का अभी जो पोचिंग से रिलेटेड था वही इकॉनमी से भी रिलेटेड है कि अगर वो आइटम्स बिकेंगे जो एनिमल्स से बने होंगे तो क्या होगा. ऑब्वियसली द इकॉनमी इज गोइंग टू इंक्रीज, बट वेयर टू ड्रॉ द लाइन एंड वेदर इट इज, यू नो, वेदर दैट स्पीशीज इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट और नॉट बिकॉज ऑफ दैट. So this wildlife conflict has a role to play in the economy also.
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी ये दोनों चीजों का रोल आता है. जैसे आप सेंचुरीज वगैरह बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और कौन से एरियाज हैं, जिम कॉर्बेट पार्क्स हैं, जैसे इस टाइप के जो एरियाज हैं बनाते हैं कंजर्वेशन के लिए बनाते हैं, तो उसमें भी दैट इज ऑल्सो यू नो एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, बट उसमें भी अगर आप देखोगे तो सम पीपल जस्ट यू नो इन द सेंचुरीज एंड ऑल, उसमें भी वो लोग किल करते हैं एनिमल्स को फॉर देयर ओन गेन्स. क्या फूड सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है. सपोज अ पर्टिकुलर एनिमल और अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज यू नो डिस्ट्रॉइंग द फूड क्रॉप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, फिर आप क्या करोगे, उसको कंजर्व करके रखोगे या उसको वहां से हटाओगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इफ इट डिस्ट्रॉयज द फूड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, यू नो? सो दैट इज अगेन सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. इन सारी चीजों में ये कॉन्फ्लिक्ट्स नजर में आते हैं हमें. और रीजंस क्या है इसके? रीजंस यही है कि वी हैव एन इंक्रीजिंग डिमांड, we want more and more and more and more. A human being is not being content nowadays. ठीक है, हमारे जो हमारे अगर दादा परदादाओं से बात करो या आप लोगों ने करी होगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो they were very simple people, you know, and they are still very simple. But we are not like that. We are not the same. We are changing each and every day. We are needing more and more resources. And for that, we need more access to land. We need more access to animals. So all this is leading to a lot of conflicts. ये एक फ्लो चार्ट से एक बारी पढ़ लेना. नाउ इस पे भी क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के एम्स क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको मैनेज करना और रिस्टोर करना नेचुरल रिसोर्सेज को. ये एम्स हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको MOEF भी बोलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को ना शॉर्ट में MOEF, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर का, उसमें ये चीज दी हुई है MOEF. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ऑब्जेक्टिव्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, इनकी नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करके रखना न्यू फ्लोरा फौना और माइक्रोब्स के लिए, पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करना थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज एंड मीडिया, पोल्यूशन को रिड्यूस करना, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना इन अ सस्टेनेबल वे. सस्टेनेबल अगर आपको याद हो, प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी रखना और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन करके रखना नेचुरल रिसोर्सेज को. अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में और एक पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में स्पीशीज को उनकी नेचुरल सराउंडिंग में रहने देना और वहीं पर उनको कंजर्व करके रखना, दैट इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन. ओके, नाउ दिस इज एडवांटेज क्या इसका? इट्स अ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल वे. और बस ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है स्पीशीज का कि उनको प्रोटेक्ट करके रखना है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर आपको स्पीशीज को उनके नेचुरल एरिया में रखना है तो इसका मतलब आपको लार्ज एरिया चाहिए. ठीक है, उनको वाइल्ड में रखना है तो उनको नेचुरल सराउंडिंग्स में रखना है तो आपको एक लार्ज एरिया चाहिए उसके लिए. ठीक है, सो दिस मीन्स यू नीड अ लार्जर एरिया. नाउ इसमें इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? बायोस्फीयर के रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, इन सबको इन सिटू कंजर्वेशन में आता है. एक्स सिटू का मतलब क्या है? उन स्पीशीज को अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसके आउटसाइड उनको यू नो हेल्प करके, उनको प्रोटेक्ट करके, उनकी ब्रीडिंग करवा के उन सबको प्रोटेक्ट करना, तो उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन. अब इसमें क्या होता है? बोटैनिकल और जूलॉजिकल गार्डन इसके एग्जाम्पल्स हैं, सीड एंड जीन बैंक्स इसके एग्जाम्पल हैं. आई वॉज सीइंग सम फोटोज ऑफ द वर्ल्ड. एक पता नहीं नॉर्वे में कहाँ पर या क्या, किसी को पता हो, एक सीड बैंक है बहुत बड़ा, एक बिल्डिंग है विच इज वो वाली कह रहे हो जो एक उसके अंदर शेल्टर रखा है, अगर वर्ल्ड खत्म होने पाए तो उसके अंदर हर चीज के शेड हैं. एक वॉल्ट है जिसमें सब टाइप के, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो हर तरह के एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं ताकि ग्रो कर सके दोबारा. हाँ, तो वो कहाँ पर है? नॉर्वे पे बेटा, कहाँ पर है वो?
पता नहीं मैम, एक आइसलैंड बंकर था ना, वो आइस के बीच में, वो याद नहीं है। हाँ, तो एक वॉल्ट है वो ना, तो ऐसे इस टाइप के सीड बैंक्स और जीन बैंक्स जो हैं, ये सारे एक्सिटू कंजर्वेशन के पार्ट आते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। सो वी हैव फिनिश्ड बायोडाइवर्सिटी चैप्टर विद दिस। एनी डाउट्स एनीबॉडी? नो डाउट्स? चलो, नो डाउट्स, ठीक है। अटेंडेंस होगी? मनमीत, मनमीत, यस मैम, ले लिए अटेंडेंस। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो ओके बेटा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लासेस फेसिंग, क्लासेस सब ठीक चल रही हैं बाकी की? यस मैम। मैम क्लासेस मक्खन चल रही है। मनमीत आवाज मेरी आज बहुत आहिस्ता आ रही है आपकी, क्या कह रहे हो? मैम क्लासेस तो सही चल रही है, लेकिन वो हमारी एब्सेंट मार्क हुई थी ना। हाँ, वो मैंने बात कर ली थी बेटा सिमी मैम से, उन्होंने पहले ही देख लिया था वो, तो वो कह रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी में बात करेंगे, तो मैं एक आधे दिन में और पूछती हूँ कि क्या हुआ, ठीक है उसका। यू नीड नॉट वरी, इट इज मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि उस बारे में बात ना हो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने कॉलेज का रिजल्ट है ना, ऐसे कैसे जाने देंगे उसको, ठीक है। ओके बेटा, देन ओके एवरीबॉडी, बाय मैम, बाय बाय मैम, थैंक यू मैम, ओके बाय बाय बाय, करने में सब आ गए, बाय करने में सब आ जाते हैं, ठीक है। अबे अपने मैम ने सुन ली थी वो तुम्हारी बात, माना? मैंने तो कहीं नहीं बंद था मीटिंग में। तुम लोग गेम खेल रहे हो? हाँ, as always। भाई भाई मैं अभी घर पे नहीं हूँ यार। हरसिमरन की स्क्रीन क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं भाई, कुछ अभी नहीं। तो मैं घर पे नहीं हूँ, आप ही खेलूंगा। वो यही तो नई चीज आई है जो तुझे नहीं पता। अच्छा, अबे एक कैमरे के सामने से हट कर वो कैमरा ऑन किया होगा इसने, मेरे को जाननी नहीं, यही तो बात है। इसकी दो दो आवाज आ रही है भाई, इसको यहाँ म्यूट करो भाई, यहाँ नहीं होता क्या? मैं आप क्या करें, चलो अब क्लास कौन सी है? अभी सूरज कहाँ गया? सूरज आया था फिर डिस्कॉर्ड पे क्यों नहीं बैठा? पता नहीं, वो नाने गया भाई।